हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्लोन बीट बकेट रेपोजिटरी यूजिंग HTTPS एंड SSH, राइट। तो ये दो तरीके से आप क्लोन कर सकते हो, दोनों तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बीट बकेट में आपको लॉग इन करना है, राइट। लॉग इन करने के बाद जो आपका यूजर नेम है, जो योर प्रोफाइल एंड सेटिंग्स है, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑल वर्क स्पेसेस आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेपोजिटरीज का ऑप्शन आएगा लेफ्ट पैनल में, यहाँ क्लिक करना है। तो जितने भी रेपोजिटरीज हैं आपके यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। अब इसमें से जिस भी रिपोजिटरी को आपको चेकआउट करना है या क्लोन करना है, चेकआउट तो गलत होगा कहना, क्लोन करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो लेट्स से कि मैं इसे क्लोन करना चाहता हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया। जैसे ही रेपोजिटरी के अंदर जाएंगे तो टॉप मोस्ट में यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन आएगा, बटन होगा, राइट। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, इसमें दो ऑप्शन होता है। पहला है SSH जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो ये URL है, इसको कॉपी कर लेना है। ये URL सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये SSH वाला URL है, ठीक है ना। फिर हम जाते हैं, इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं HTTPS, फिर उसको भी कॉपी करते हैं। तो दोनों URL में आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। तो ये दोनों URL का, पहला जो SSH से क्लोन करना है उसका URL है। तो SSH में क्या है, गिट क्लोन। गिट क्लोन क्या है, कमांड है। उसके बाद का URL देखो, गिट है @bitbucket.org, मतलब बीट बकेट का ये होस्ट नेम है। उसके बाद यूजर नेम, राइट। उसके बाद रेपोजिटरी नेम .git है। लेकिन जब हम गिट क्लोन HTTPS से करते हैं, राइट, तो आप देख सकते हो कि HTTPS से शुरू हो रहा है, https://, उसके बाद यूजर नेम है, राइट। उसके बाद bitbucket.org। कहने का मतलब दोनों जो दोनों URL डिफरेंट है। तो सबसे पहले, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपेंडेड है, राइट। इसमें https://, ऐसा करके बेसिकली एडेड है इंस्टेड ऑफ गिट, राइट। और उसके बाद ये सब है, बाकी सब कॉमन है ऑलमोस्ट लग रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ बीट बकेट लिखा हुआ है, bitbucket.org है। लेकिन जब इस URL में देखते हैं, जब HTTPS से करते हैं, तो यूजर नेम उसे पहले प्रीफिक्स है, @ यूजर नेम एडिशनल है, राइट। उसके बाद का URL देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है राइट। तो हम देखते हैं कि क्लोन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं HTTPS से क्लोन करते हैं। तो यहाँ HTTPS लगता है, URL मैंने कॉपी कर लिया, राइट। ये मेरा गिट बैश है, गिट बैश में अभी मैं डी ड्राइव में पॉइंट कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली डी ड्राइव में मैं इसे क्लोन करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये रिपोजिटरी क्लोन होना स्टार्ट हो गया है, राइट। ये मेरा, मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, तो लेट मी प्रोवाइड द पासवर्ड। और कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना है, तो ये क्लोन हो गया। अब मैं डी ड्राइव में जाके देख लेता हूँ कि क्लोन हुआ कि नहीं, गाइस। तो ये देख सकते हो, डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल रेपो ये क्लोन हो चुका है, राइट, पूरा सोर्स कोड। अब दूसरा प्रोसेस हमें देखना है कि एक और प्रोसेस क्या, SSH है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि SSH से आप क्लोन करने से पहले, सबसे पहले आपको SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल, राइट। SSH की जनरेट करना होगा आपको, प्राइवेट और पब्लिक की। और पब्लिक की को आपको जो बीट बकेट जो अकाउंट है उसमें आपको ऐड करना होगा, राइट। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि SSH की प्राइवेट और पब्लिक की कैसे जनरेट करना है, पब्लिक की को बीट बकेट अकाउंट में कैसे ऐड करना है। की मैं बता देता हूँ कहाँ ऐड करना है आपको। आपको यहाँ जाना है और पर्सनल सेटिंग में जाना है, ठीक है। पर्सनल सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ SSH की है, राइट। यहाँ पे ऐड की पे करना है, यहाँ लेवल कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ की पब्लिक की आपको यहाँ पेस्ट कर देना है और ऐड की पे क्लिक कर दे। ऑलरेडी मैंने की अपना यहाँ ऐड किया है, राइट, ये पब्लिक की। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी रिपोजिटरी को आपको क्लोन करने की कोशिश करना है SSH के थ्रू, राइट। क्लोन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ SSH सेलेक्टेड है, कॉपी किया।
अब मैं SSH से बताता हूँ कि कैसे क्लोन है। सिंपल है, इस सिंपल है। अभी मैं जाता हूँ, एक डायरेक्टली बना लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने डी ड्राइव में डायरेक्टली रिपोजिटरी को मैंने क्लोन कर लिया है। तो अभी मैं mkdir यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट, एक डायरेक्टरी बन जाएगा। अब जाऊँगा इस टेस्ट डायरेक्टरी में और यहाँ मैं क्लोन कर देता हूँ सेम रिपोजिटरी को, राइट। और एंटर प्रेस करूँगा तो क्लोनिंग स्टार्ट हो गया, राइट। गाइस एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, इन केस आपने SSH की नहीं जन आपने ऐड किया अपने बीट बकेट अकाउंट में, तो SSH प्रोसेस से आप गिट क्लोन करते हो तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है, एरर देगा। अब मैं जाता हूँ डी ड्राइव में और टेस्ट डायरेक्टरी में, आप देख सकते हो किसके अंदर ये रिपोजिटरी क्लोन हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही क्विक वीडियो था, लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि SSH से क्लोन करने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाता है। जब हम क्लोन पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट SSH सेलेक्टेड रहता है। तो मेक श्योर कि SSH से आप क्लोन कर रहे हो तो आप SSH की अपने पब्लिक की बिट बकेट अकाउंट में ऐड कर दिया है। कैसे की जनरेट करना है, कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो वॉच करें। थैंक यू सो मच।